उत्तर प्रदेश के राजधानी जिला लखनऊ में एक सादतगंज में एक प्राथमिक विद्यालय है जिसमें 268 बच्चे नामांकित हैं, लेकिन बच्चों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जैसे बिजली, पानी। हैंडपंप खराब होने के कारण बच्चों को 1 किलोमीटर दूर पानी ले जाने के लिए जाना पड़ता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई में बाधा आ रही है। तो जैसे हैंडपंप यहाँ पर खराब पड़ा हुआ है, तो बच्चे पानी कहाँ से लाते हैं? बच्चे अपने साथ बोतल लाते हैं, अपने साथ बोतल लाते हैं, पानी ले आते हैं बच्चे। भाई जब ये क्लास चल रहा है, बच्चों को शौचालय लग गया, तो पानी कहाँ से लाएंगे? तब तो जैसे हम कभी किसी से थोड़ा बहुत पानी मंगवा देते हैं। इसके लिए हमने एप्लीकेशन दी, अपने विभाग को दी, सभासद से कहा, सभासद को भी दी एप्लीकेशन, आश्वासन मिला कि हमें ठीक करा देंगे। जैसे कि यहाँ पर हम आए हैं तो यहाँ पर लैग नहीं ना, तो लैग कब से रहेगा? जब से आए तब से। कब से आप आए हैं? बच्चे अंधेरे में पढ़ रहे हैं। स्कूल में खाना मिलता है? जी हाँ मिलता है। खाना खाने में पैसा लगता है? सही है। जितना खाना मिलता है उसमें आपका पेट भर जाता है? जी। खाना खाने के बाद आप पानी कहाँ से पीते हैं? पानी बाहर से जो है मंगवा देते हैं। और हाथ धोने का पानी कहाँ से लाते हैं? बोतल से। मेरा नाम अफसाना है, प्राथमिक विद्यालय सादतगंज लखनऊ। अब सब ये है कि जो है हर चीज़ की जो है कमी भी महसूस होगी, जैसे कि शौचालय नहीं ठीक बना है, अभी बना ठीक है मगर जो है सब भरी उड़ी रहती है, पानी नहीं आता है, बत्ती की भी कमी है, पानी की 4 साल से दिक्कत है, खाने में भी कुछ निकल चुका है, जैसे कोई कीड़ा उड़ा निकल चुका है। मैं चाहता हूँ सादतगंज लखनऊ में प्राथमिक विद्यालय में जो बिजली पानी की समस्या है उसको आप लोग दूर करने के लिए हमारी मदद करें, जिसके लिए आपको लखनऊ के बेसिक शिक्षा अधिकारी के नंबर पे कॉल करके दबाव बनाए, जिनका नंबर है 94-53-00-41-67। मैं मोहम्मद वसीम, उत्तर प्रदेश जिला लखनऊ से, इंडिया अनहर्ड के लिए।